उपस्थित है श्रीमान इंद्रजीत यादव जी भाई साहब। हम आपसे निवेदन करेंगे कुछ हमारे बच्चों को कुछ संबोधित करने की कृपा करें, आपकी कृपा होगी। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। संचालक ही नहीं, मैं तो कहूँगा आप बोला नगर में जो शिक्षा की जो जो केंद्र आपने स्थापित किया है, संस्थान स्थापित किया है, इसके आप प्रबंधक के नाते मैं आपको गोला नगरवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, समूह उपस्थित क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक और हमारे संस्थान में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे प्रिय भैया और बहनों, छात्र छात्राओं, युवा मित्रों, आज ये कार्यक्रम आपके गोला नगर में जो आयोजित किया जा रहा है वास्तव में बहुत ही आदर्श कार्यक्रम है। मैं इनका बहुत ही आदर करता हूँ अपने ठाकुर साहब का, क्योंकि आपने गोला नगर में ऐसा संस्थान खोला है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोला के चारों तरफ 10-15-20 किलोमीटर के अंतराल में कोई ऐसी शिक्षण संस्था नहीं थी जो हमारे यहाँ की छात्रों की तैयारी कराती। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उसको तराशने की आवश्यकता थी। आपने गोला क्षेत्र के हमारे प्रिय भाइयों को, भैया और बहनों को, छात्र और छात्राओं को जिस तरीके से अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, वास्तव में आप बधाई की बात है। आपने एक कीर्तन स्थापित किया है, आज के शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनको तैयारी ऐसी तैयारी कराते हैं कि एक प्रतियोगिता के आधार पर तैयारी कराते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कराते हैं। आज के प्रायोगिक बच्चे विभिन्न विद्यालयों में अच्छे संस्थान जहाँ फैजाबाद है, कानपुर है या मेरठ है, आज जैसे इसी जगह पर जाते हैं और अपना प्रवेश मुक्त प्रतियोगिता के माध्यम से अर्जित करते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण आपने गोला नगर में बनाया है। यहाँ पर ये कोई भाषणबाजी का समय नहीं है, शिक्षण संस्था में प्रवेश कराए जो प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवाती है, जैसे हमारे भैया का पुण्य के शेष संस्थान जो चलता है, ऐसे संस्थान में आप लोग प्रवेश कराइए और आपका भैया या बहन हमारी जो है अच्छी प्रतियोगिता में सफल होकर अच्छे विद्यालयों में उसका प्रवेश होगा तो बहुत दूर नहीं होगा कि आपका बालक आपके क्षेत्र में आपके मान और सम्मान, आपको मान और सम्मान प्राप्त कराएगा। जब आपका बच्चा इधर बनेगा आपको ही गर्व नहीं होगा, आपके गांव गांव भी गौरवान्वित होगा और गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होगा। ऐसे शिक्षण संस्थाओं में आज आवश्यकता है हमको अपने अपने बच्चों को प्रवेश कराने की, उनको शिक्षा दिलवाने की आवश्यकता है। ये हो सकता है कहीं पर कमजोर रहे हों, लेकिन आप ऐसे शिक्षण संस्था में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कहेंगे मेरी ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो एक समाज सेवा के कारण संचालित हो रही हैं, इनके अंदर जज्बा है, इनके अंदर एक गुजरने की क्षमता है, ये समाज की सेवा करना चाहते हैं और इस सेवा के माध्यम से हम सबका विकास करना चाहते हैं। और हमारा ही विकास नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं, हमारे जिले का विकास इनके ऊपर निर्भर है। अधिक बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी और समझदार हैं, लेकिन यह जरूर है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा आपका आपके परिवार का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा तो समाज की भी उन्नत होगी, समाज की उन्नत होगी तो क्षेत्र का जो भी विकास होगा, क्षेत्र में लोग कहेंगे फला का लड़का फला का बालक आज फला अधिकारी बना है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं यहाँ आई है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग वास्तव में किस्मती और भाग्यशाली है कि ऐसी शिक्षण संस्था में आप सबको बैठने का मौका मिला है, इनके विचार सुनने का मौका मिला है। ये हर वर्ष अच्छे बालकों के हाथ से निकालते हैं और प्रवेश कराते हैं। मैं इनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद
साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको हृदय से नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को कह रहे थे कि हम क्या बताएंगे, लेकिन